हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दोनों सब्जेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं, जो आपको टर्म वन में काफी काम आने वाली है। तो आपने जैसे देखा होगा प्रैक्टिकल का स्ट्रक्चर, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है बोर्ड का, उसका स्ट्रक्चर टर्म वन टर्म टू दो में डिवाइड किया गया है। जिसमें प्रोजेक्ट की बात करें हम, तो प्रोजेक्ट के लिए ये कहा गया है कि आपको टर्म वन में प्रोजेक्ट सिनोप्सिस सबमिट करना है। तो प्रोजेक्ट सिनोप्सिस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर पाएंगे आप, और इसको कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जाएंगे, तो उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोजेक्ट सिनोप्सिस क्या होता है। तो जैसे स्टूडेंट्स ने ये वर्ड सुना था प्रोजेक्ट सिनोप्सिस, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट सिनोप्सिस का मतलब क्या होता है कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसे ही प्रोजेक्ट सिनोप्सिस कहा जाता है। जो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे, तो रिपोर्ट जहां पे सबमिट होता है तो रिपोर्ट में हम कोड भी डालते हैं। प्रोजेक्ट सिनोप्सिस में सिर्फ कोड नहीं आएगा, उसके अलावा जो भी चीजें है वो सारी आएगी। क्या क्या चीजें है वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट का समरी आता है, वो उसको आपको एमएस वर्ड में टाइप करके प्रिपेयर करना है और अच्छा सा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट सिनोप्सिस सीबीएसई क्लास 12 रिफर्स टू अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू आर गोइंग टू सबमिट फॉर द सीबीएसई प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम। तो इसके लिए आपको टर्म वन में यहाँ सबमिट कर देना है। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हैज टू सबमिट अ प्रोजेक्ट टू द स्कूल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो ये हर साल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे है। टर्म वन टर्म टू में इस बार दो दो चीजें अलग दी गई है, उतना फर्क है। ताकि पहले क्या होता था कि प्रोजेक्ट बनाया, रिपोर्ट प्रिपेयर किया और सीधा सबमिट कर दिया, ऐसा होता था। अब क्या है कि आपको रिपोर्ट पहले बनाना है कोडिंग को छोड़ करके और वो सबमिट करना है, उसके बाद टर्म टू में उसी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करके काम करना है। तो वो आगे मैं बताऊंगा क्या है। प्रोजेक्ट सिनोप्सिस सीबीएसई क्लास 12 इंक्लूड अ ब्रीफ डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स जस्ट लाइक अ प्रोटोटाइप विच शोज दैट हाउ विल बी द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोटोटाइप जैसा है, इसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें होगी उसके बारे में डिटेल दिया गया होगा। द पेज साइज ऑफ सिनोप्सिस शुड बी अ मिनिमम ऑफ अबाउट 20-25 पेजेस। तो आप अभी जो सिनोप्सिस सबमिट करेंगे उसका आप मैक्सिमम इतना पेज, मिनिमम इतना पेज ले लीजिए, 20-25 पेजेस हो सकता है अभी के लिए। उसके बाद जब कोड ऐड होगा तो पेजेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ कवर करना है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम में दिया है वो यहाँ पे मैंने उसी टेबल को यहाँ कॉपी पेस्ट करके लिखा है। देखिए प्रोजेक्ट वर्क प्लस वाइवा वॉस कितने मार्क्स का होता है, तो टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 8 मार्क्स का यहाँ पे है, 3+5। ये मैंने एक ही उसमें से लिया है, कंप्यूटर साइंस वाले में से। आईपी का हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, 5 मार्क्स का या कुछ, तो उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 मार्क्स का है कंप्यूटर साइंस में, 3 मार्क्स टर्म वन में होंगे, 5 मार्क्स टर्म टू में जो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे उसका होगा। तो यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट वर्क टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट सिनोप्सिस सीबीएसई क्लास 12 यू शुड बी अवेयर दैट व्हाट टॉपिक शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट सिनोप्सिस। तो कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट मैंने दिया है और उसी लिस्ट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा इनिशियल पेजेस। तो इनिशियल पेजेस में आप क्या क्या रख सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल में लिखा है मैंने, तो आप नीचे जाएंगे पता चलेगा हमें। टेबल ऑफ कंटेंट्स, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, द एग्जिस्टिंग सिस्टम, प्रपोज सिस्टम, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम डिजाइन, टेबल्स एंड फील्ड्स फॉर डेटाबेस, सिक्योरिटी कंट्रोल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। तो इतनी चीजें यहाँ पे होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है इनिशियल पेजेस, जिसमें सबसे पहले पेज आएगा कवर पेज। तो कवर पेज में क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो स्कूल का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, स्कूल का लोगो आएगा, उसके बाद में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, रोल नंबर से लेकर के नाम वगैरह जो भी डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें कवर पेजेस में आ जाएगी, सबमिटेड टू, फिर वहां पे एचओडी का नाम लिखना है, आपके टीचर के नाम लिखना है, प्रिंसिपल का भी नाम लिख करके उनका भी सिग्नेचर वगैरह रखना है, रख सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर, तो जो भी आपको कवर पेज के लिए सुटेबल लगता हो सारे कंपोनेंट्स आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करके अट्रैक्टिव बनाइए, बॉर्डर वगैरह दीजिए, कुछ अगर ड्रॉ करें तो ड्रॉ करके भी रखेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे शो कर सकते हैं डिजाइन में, तो डिजाइन ऐसा करिए कवर पेज का कि वो काफी बढ़िया लगे, सुंदर सा हो, तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक्स का नॉलेज है तो आप ग्राफिक्स के रिलेटेड भी कुछ ऐड करके कर सकते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे जो है
वो क्या आएगा। तो एक्नॉलेजमेंट तो सिंपली एक पेज होता है जिसमें आप यहाँ पे थैंक यू, जैसे हम अपनी जो कृतज्ञता है ग्रेटिट्यूड वो दिखाते हैं, उसके लिए किया जाता है। तो जो भी पीपल इसमें अटैच है उन सभी को थैंक यू कहने के लिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये है यहाँ पे सर्टिफिकेट, उसके बाद आएगा सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में आप इंटरनल एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर, या तो फिर जो भी आपके कंडक्ट करने वाले हैं एग्जाम्स उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर प्रिंसिपल का भी रहेगा और एक्सटर्नल एग्जामिनर का भी रहेगा। तो इन सभी के साइन और स्टैंप यहाँ पे अगर है तो सील लगेंगे। प्रिंसिपल का तो लगेगा ही लगेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर भी कभी कभी अपना स्टैंप लेके आते हैं तो उनका लगेगा, जैसे उनका नंबर होता है एक्सटर्नल एग्जामिनर का उसके साथ होता है। कहीं कहीं कुछ लोग बनवाते हैं तो वो भी यहाँ पे आप लगवा सकते हैं, उनकी सील भी यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनिशियल पेजेस में आएगी। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या रहेगा, तो प्रोजेक्ट में इस फाइल में आपने किस पेज पे कौन सी चीज डाली है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें डालेंगे। देखिए यहाँ पे जब आप ये क्रिएट करते हैं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तक का जो है वो आप अलग पेज में बनाइए, और जो प्रोजेक्ट है वो अलग फाइल में बनाइए, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो अगर वन पेज नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे पेज नंबर हम अच्छे से डाल पाए। इसलिए दो वर्ड की फाइल प्रिपेयर करिए, अदरवाइज हेडर फुटर में ऐसे पेज नंबर काउंटिंग नहीं होंगे, आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि जो इनिशियल पेजेस है टेबल ऑफ कंटेंट तक के, तो सारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स तक के जो पेजेस हैं वो पेजेस आप एक अलग फाइल में बनाइए, और प्रीफेस अगर लेना चाहे तो उसमें ले सकते हैं, वो भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, ताकि प्रोजेक्ट आपका एक सेपरेट फाइल में हो। तो जहां पेज नंबर वन से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट, तो वो पेज नंबर वन में आना चाहिए। तो दो एमएस वर्ड की फाइल बना करके आप कर सकते हैं, तो एक में ये सारा चीज आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से वहां पेज नंबर लिख दीजिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो जो हेडिंग्स है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, उसका टाइटल डालिए और पेज नंबर वहां पे लिख दीजिए। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीफेस। प्रीफेस में क्या होगा कि प्रीफेस में आपने प्रोजेक्ट की प्रेरणा कहाँ से ली, आपने क्यों वही प्रोजेक्ट चुना, आपका वो प्रोजेक्ट चुनने के पीछे का रीजन क्या था, और क्या क्या प्रोसेस रही, आपके एक्सपीरियंस क्या रहे, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्रीफेस में आप कर सकते हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें किए और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली एक्चुअल प्रोजेक्ट करने की। तो वो प्रोजेक्ट आप जो कर रहे हैं उसका मतलब कहाँ से आपको उसका गाइडेंस मिल रहा है या किस तरीके से आप उसको करने वाले हैं, तो उसका जो पहले प्रीफेस का मतलब वही होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपकी भूमिका क्या क्या रही, आपने क्या क्या चीज की प्रोजेक्ट के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट में क्या आएगा कि प्रोजेक्ट किस लिए है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कौन सी चीज के लिए प्रोजेक्ट आपने बनाया है, किन किन लोगों को ये फायदा करेगा, किन किन लोगों को यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है, और क्या मेन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो प्रोजेक्ट का नाम, वो नाम क्यों दिया गया और वो किस तरीके से हेल्प करेगा लोगों की। ताकि जनरली हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आम आदमी की। तो आम आदमी जो भी है, जो भी यूज करते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम, उनके लिए हमने कुछ किया है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें रहेगी, तो चार पॉइंट मैंने यहाँ निकाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है गोल्स टू बी अचीव्ड बाय दिस प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट से कौन सा गोल अचीव होगा। टू होल द प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल टू होम आएगा यहाँ पे, होल गलती से ये अगेन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। टू होम द प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल, प्रोजेक्ट किसको हेल्पफुल होगा, किन किन को हेल्पफुल होगा। हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू द पीपल एसोसिएटेड टू द वर्क, उसके रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं उनको कैसे हेल्प करेगा। और हाउ द रिकॉर्ड्स विल बी मैनेज, और रिकॉर्ड जो उसमें आएंगे वो कैसे मैनेज होंगे। तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल आप एक दो लाइन में लिख सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, अभी वर्तमान में क्या है और फ्यूचर में क्या रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फ्यूचर में आप अगर कोई अपडेट देने वाले हैं, या अभी आपने प्रेजेंट में ये चीज दी है पर जो अभी थोड़ा सा लिमिटेशन लग रहा है तो उसको आप अपग्रेड करने वाले हैं आने वाले समय में, तो वो भी चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो उसी को स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट कहते हैं कि प्रोजेक्ट फ्यूचर में कैसे यूज होगा, अभी कैसे यूज होगा, उसके रिलेटेड जो जो चीज आपके माइंड में है, आपने जो जो चीजें फेस की है, प्रॉब्लम जो आपने पूरा स्टडी किया है, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम स्टडी करके आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्कोप क्या रहेगा। द एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए आपको थोड़ा सा
सर्वे करना पड़ेगा या तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या तो उस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे कि आपने किसी स्टोर का प्रोजेक्ट बनाया तो स्टोर में क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहता है, उनको एग्जैक्टली किस चीज के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। तो इफेक्टिवली वर्क करने के लिए आपको यहाँ पूरी चीजें लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है छोटे छोटे चीजों में, पूरे एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर कर रहे हैं आपको। तो यही एग्जिस्टिंग सिस्टम में आएगा कि अभी जो सिस्टम वहां पे यूज करते हैं, मानो कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है पेरोल का, पेरोल में क्या होता है कि अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस रजिस्टर पे होती है, रजिस्टर के बाद उसको मतलब कैलकुलेट किया जाता है। अब आप उसको यहाँ पे करने वाले हैं तो पंचिंग से आपने उसका बायोमेट्रिक से ले लिया डेटा और डेटा डायरेक्टली कहीं स्टोर होता जाता है सॉफ्टवेयर में आपके प्रोजेक्ट में और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वहां पे एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी आएगी। तो डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसके बारे में, और उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद है द प्रपोज सिस्टम। प्रपोज सिस्टम क्या हुआ कि आपने सिस्टम स्टडी किया, उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे आपको मिले उस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके बारे में एक प्रपोज्ड सिस्टम कि क्या होगा आपका सिस्टम, उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके बारे में जो भी फ्यूचर स्कोप है, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो जो टेक्निक्स आपने वहां पे सोची है वो यहाँ पे लिखनी है, आप प्रोजेक्ट के थ्रू क्या क्या देने वाला है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसी को प्रपोज सिस्टम कहा जाता है। प्रपोज नहीं है, प्रपोज सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट, ये है आपका टोटल इनपुट आउटपुट कि क्या इनपुट रहेगा क्या आउटपुट रहेगा, इनपुट कहाँ पे स्टोर होगा, MySQL डेटाबेस है या डेटा फाइल हैंडलिंग के लिए बाइनरी फाइल्स है उसमें से आप ले रहे हैं, या तो फिर डेटा फ्रेम में से पांडास में से डेटा ले रहे हैं, CSV में से डेटा ले रहे हैं, तो जो भी डेटाबेस है उसका टोटल इनपुट आउटपुट क्या रहेगा उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे टेबल वगैरह नहीं लिख रहा है, बस कौन कौन सा डेटा आप यूज करने वाले हैं कौन कौन से चीजों में, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगा वो आपको लिखना है। तो इसमें दो टाइप के रिक्वायरमेंट यहाँ पे आती है, एक होता है आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट और एक होता है रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर आप जब इंस्टॉल करेंगे तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए, जैसे मेमोरी तो आपको कितनी मेमोरी चाहिए, जैसे कि आपका 5 MB रोकता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद तो 5 MB वो आएगा, उसके बाद रैम कितनी चाहिए चलाने के लिए, जो भी रैम चाहिए वो, तो ये पूरा उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए, जैसे आपने पाइथन में बनाया तो पाइथन चाहिए, पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना जरूरी है, उसके बाद अगर MySQL में डेटाबेस है तो आपको MySQL भी वहां चाहिए होगा, अदरवाइज सेव नहीं करेगा, तो MySQL चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गया। तो वैसे यहाँ पे आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी वर्जन है उस वर्जन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। और रिकमेंडेड क्या होता है, रिकमेंडेड का मतलब है कि ये तो होना ही होना चाहिए, सजेस्ट हम करते हैं, तो वो सजेशन जैसा यहाँ पे आ सकता है, मिनिमम होना ही होना हो गया आपका, लेकिन कुछ एडवांस चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड में डाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अभी पाइथन 3.8 में आपने प्रोजेक्ट बनाया पर आप ये रिकमेंड करते हैं कि 3.7 तो चाहिए ही चाहिए, तो 3.7 यहाँ लिख सकते हैं, बाकी कोई भी वर्जन चलेगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। MySQL के लिए भी सेम चीजें हैं, MySQL 5 यूज किया है, MySQL 8 यूज किया है, तो जो भी यूज किया है यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन का मतलब होता है कि एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसका टोटली इंटरफेस कैसा रहेगा, कौन कौन से मेनू आएंगे, कौन कौन सा कमांड आएगा, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है कि आप फर्स्ट मेनू में क्या देना चाहते हैं, फर्स्ट लॉगिन करना चाहते हैं, लॉगिन करवाना चाहते हैं, जब यूजर ने पासवर्ड डालेगा उसके बाद उसका प्रोफाइल खुले, वो चीज करनी है तो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर मेन सिस्टम में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देना है एक ही यूजर के ऊपर तो वो भी कर सकते हैं, तो वो पूरा सिस्टम डिजाइन में आएगा। तो जो कस्टमाइजेशन आपका होगा प्रोजेक्ट का वो सारी चीजें यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करनी है। मेन इंटरफेस का डिजाइन कैसा रहेगा, उसमें कौन कौन से मेनूज होंगे, कौन कौन से कमांड होंगे, क्या प्रेस करने के बाद कौन सा ऑप्शन खुलेगा, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। उसके बाद है टेबल्स एंड फील्ड्स फॉर डेटाबेस। टोटल जितने भी टेबल्स आएंगे यूजर स्कीमा से लेकर के मेन डेटा जो आपका स्टोर होगा उसके लिए, तो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा डिजाइन उनका लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या करना है, टेबल में पहले फील्ड आएगा मतलब जो जो कॉलम से वो, उसके बाद उसका डेटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट, इतनी चीजें यहाँ पे टेबल के साथ आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद है सिक्योरिटी कंट्रोल। आपने अगर कोई डिफरेंट रोल्स दिए है यूजर को, उनके रोल्स और उनके एक्सेस की परमिशन है, तो ऐसा अगर कुछ किया है तो वो सिक्योरिटी कंट्रोल में आता है। तो कौन सा डेटा कौन से यूजर से एक्सेस होगा,
कौन सा डेटा कौन सा यूजर कंट्रोल करेगा, तो उसके बारे में अगर कोई चीज देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और लास्ट में जो है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो भी आप एक्सपीरियंस किए हैं प्रोजेक्ट बनाते समय, जो भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं प्रोजेक्ट बनाते समय, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप सीख रहे हैं, क्या क्या चीजें आपने नई सीखी, क्या क्या चीजें आपने इम्प्लीमेंट किया, कहाँ से कहाँ डेटा, कितना आपको मतलब सब कुछ झेलना पड़ा, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी आपने इधर उधर तितर तुतर जो भी किया है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख देनी है कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में लास्ट में आप कंक्लूड ऐसे करिए कि सबको अच्छा लगे। तो जो भी यूजर होते हैं, जो भी डेवलपर होते हैं, वो जैसे करते हैं तो लास्ट में थैंक यू कहना नहीं भूलना है हमें, तो वो भी कह दीजिए और अच्छे शब्दों में लिखिए लास्ट जो कंक्लूजन है वो, और कैसे आपका प्रोजेक्ट हेल्पफुल रहेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा आप यहाँ पे बता सकते हैं। और लास्ट जो है वो है आपका रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। तो ये रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी जो है वो आपको पूरे बुक्स जो आपने यूज किए हैं जितने भी, उन सभी का लिस्ट एक बना लीजिए और लिख दीजिए उनके ऑथर कौन से हैं, पब्लिशर कौन है और कहाँ से आपको वो बुक मिला है। अगर पीडीएफ है तो उसके बारे में लिखिए वेबसाइट, और अगर आपने हार्ड कॉपी परचेज किया है तो वो भी रेफरेंस में आप लिख सकते हैं, बुक्स बुक ऑथर का नाम और पब्लिशर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट है तो पूरे वेबसाइट, वहां पे ब्लॉग है तो ब्लॉग लिखिए, या तो फिर जो भी आपने वेबसाइट यूज किए हैं उनके पूरे एड्रेस वहां पे लिख सकते हैं, विकिपीडिया हो गया या तो कोई भी हो गया वेबसाइट, तो आप वेबसाइट लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में आएगी। और लास्ट में एक पेज थोड़ा सा डिजाइन करके ऐड कर दीजिए थैंक यू, तो थैंक यू का ऐड करिए लास्ट में, तो वो अच्छा लगता है। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बना पाएंगे और इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो आशा रखता हूं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो क्लियर हो चुकी होगी प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के बारे में, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और कैसे क्रिएट करना है। अब मैं एक और पीडीएफ का वीडियो आपको दूंगा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट का बना करके, तो वो भी बहुत ही जल्द आएगा, तो उस वीडियो से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा आप जिसके बारे में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मैं भी वैसा भी एक पीडीएफ लेकर के आऊंगा तो उससे आपका फायदा हो जाएगा। इस जो पूरे कंटेंट को मैंने एक्सप्लेन किया है उसका पूरा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप देख सकते हैं और वो रीड भी कर सकते हैं या तो वीडियो बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी जेब में रहे मोबाइल में आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।